मंत्री जी बहू को खुशखबरी सुनाने गए, लगता है नई नई बहू पाए और बैठ करके चाय पी रहे हैं। मैं बहू के पास जा रही हूँ और पूछूंगी कि चाय पी रहे हैं। अरे बहू माँ तुम रो रही हो? क्या बात है बहू, बता क्या बात है? माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और क्या करें? तू साफ साफ बता आखिर तुझे किसी ने कुछ कहा? हाँ माँ, मैं अपने कमरे में लेटी थी माँ और भागो जी आए, शराब पीकर और मुझे बोलने लगे कि मैं कमरे में आऊंगा और बिस्तर की शोभा बढ़ाना। माँ हो जा, अब मैं तेरी बात समझी, तू कहना क्या चाहती है और तू कह क्या रही है, सुन मेरी बात। तू है कंगाल की बेटी, बहू बन कल्याणी है, जाई रंडी दीना नथवा की नानी, तू हमको बेवकूफ बनाने आई है? हाँ, मेरे पति के खिलाफ मुझे भड़काना चाहती है। हाँ, तेरा बाप दीना नथवा हरामजादा तुझे यही सिखा करके भेजा है ना? वो हरामजादा चुनाव तो लड़ नहीं पाया, सोचा मैं अपनी बेटी को यही सिखा पढ़ा करके भेज दूंगा और मंत्री जी जब बदनाम हो जाएंगे तो अब किस पंचवर्षीय चुनाव नहीं लड़ा और नहीं जीत पाया तो अगली पंचवर्षीय तो मैं चुनाव जरूर जीतूंगा। का समझे तेरे तोहरे बहकाम हम आई जा तो उससे कम नीक सुंदर यही रंडा, तो उससे कम नीक सुंदर यही हर जइयो जौन तोहरे ऊपर मंत्री जी फाट पड़ता है। सीतवा कान खोल के सुन ले,
तू मेरे घर की बहू आज से नहीं है, आज के बाद हरामजादी तू मेरे घर की नौकरानी बनकर रहेगी। घर का जितना काम है घर का सारा काम करेगी हरामजादी, क्योंकि तेरा बाप दीनानाथ मेरे पति के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश की और मेरे दहेज में नुकसान हुआ। मुझे अपने बेटे की शादी बिना दहेज के करनी पड़ी हरामजादी, वो भी तेरे बाप दीनानाथ। चल जितनी जल्दी हो सके घर का सारा काम फटाफट कर, अगर नहीं घर का काम किया तो तेरी खाल खींचनी धरा दे। क्या बात है, परेशान क्यों? आ गया तो तू यजमू लेके तू नकियत हमारे कटाए लेता। बिच्छू रानी, तुम मंत्री की धर्म पत्नी हो और ऐसी बात कहती हो, लोगों को बुरा नहीं लगेगा? हम कहते चाहे बुरा हो चाहे जौन हो, हाँ हम कौनो हराम खोरी से नीक सुंदर कमी ही का। कौन से सुबह कह रहा था तब कहे मेरे बहू के कमर में बहू पर फाट पड़ाता तू गले लगा। हो तो कहने का मतलब सारी यहां आकर के आग लगा ही दिया। तुम नहीं जानती हो शादी में तुम गई तो नहीं थी, मैं गया था ना। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब छाठवीं भावर पड़ी सातवीं भावर को मैंने फेरा रुकवा दिया। मैंने कहा दीनानाथ महाशय सातवां फेरा तुम्हारी बेटी का कब पड़ेगा, मेरे पर खिलाफ लगाए गए टिकट को आप हटा लेंगे तब पड़ेगा। उसने माना, वचन दिया कि मैं आपके पर खिलाफ लड़ाई नहीं लूंगा। तब सातवां फेरा पड़ा, ये साली वही देख रही थी खड़े खड़े। अब मैं समझी इसका मतलब कि हरामजादी यहां आकर के हमें और आपको लड़ाना चाहती है। लड़ाना चाहती, हमें बदनाम करना चाहती ताकि अगली पंचवर्षी में हमारे पिताजी जीत जाएंगे। लेकिन मंत्री जी, ये दीनानाथ हुआ यहां क्या करने आ रहा है? बेटी को देखने आता होगा। बेटा दीनानाथ हुआ यहां क्या करने आ रहा है? अरे आता होगा तो अपनी बेटी को देखने आएगा। आने दो आने दो। कैसे समझी गोसाई? राम राम। राम राम। सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल है। अम्मा पाला जी, खुशीरा बेटवा, खुशीरा और भले आ? हाँ माई ऐसे बीतता है। मिश्रा बेटवा। हाँ माई। तोरे अम्मा भले यहाँ? भले कहा है, जानते आप 95 साल उम्र हो गया तो तकलीफ तो रावे कर दो कुछ। का बेटवा? हाँ सुने तोरे अम्मा वाली मड़हिया गिर गए। गिर गिर रही लेकिन नहीं बनवाए, लेकिन चुआ था करता करता बनवाए दे। हाँ अच्छा चुआ था। हाँ पन्नी तनावे का है। कैसे बनाया हो? नहीं बनवाए तो बढ़िया, लेकिन छावा वाले कमी कही थे। अच्छा हाँ हाँ सुतरी से भीग जात हो? अरे भाई क्या करी, भीगी जाती है जी। अरे बाबू माला जी, मेहमान फसी रहा, फसी रहा, फसी रहा कि हम बोकरी रहा, खुशी रहा। अरे तिवारी जी प्रणाम। अरे आई गया महात्मा जी। हाँ हाँ आई हा भैया उदय न। हाँ 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 घुघरी ले हो बहमन। घुघरी लेके नहीं आए, वहाँ सकट हाँ लेके आए। बहुत अच्छा बात, देखो बहन बिठिए यहाँ जावा कर तो कुछ ले हवा करा। वह मान सम्मान न हुए। आवा आवा तो हाल ले ले का करे जा।
उतारे जाता है इनका। अरे हमारे घरे के रीति रिवाज है का? अगर केहू अगर ससुरारी से आवत, अगर सामान लेके आवा था, तीज त्योहार लेके आवा था, तो 24 घंटा अपने मुड़े पर लादे रहा था, और 24 घंटा के पहले अगर ओके भार जे उतार ले था ना, तो ओके शराब पकड़े लाग जाता। देखिए छोया जी, नहीं तो ओके शराब तोहरे लाग जाये। देखा रिश्तेदार हाँ? जो कुछ ले ऐसे ले खड़ा रहे हाँ। कई घंटा? 24 घंटा ले तब तो हम जब 25 हवा लागे 26 हम उतार तब तो हम निपुर जाब मारा 4 साल दिया। हम 24 घंटे के लिए यहाँ नहीं आए हैं बस 15 मिनट 20 मिनट। देखिए समन जी, आप तो जानती हैं कि हमारी बेटी की शादी हुए 1 महीना हो गया। अच्छा, मैं अपनी लड़की को आने आया हूँ। तो देखिए समधी जी, हमारी बहू अभी खा पी करके सो रही है। जब हमारी बहू खा पी कर सो रही है, जो उठेगी तो आपसे मैं मुलाकात करवा दूंगी। आप आए तो आप चाय नाश्ता करिए, बैठिए। हम चाय नाश्ता नहीं करेंगे, और रही बात हमारी बेटी सो रही है, तो जब सुन लेगी कि हमारे पापा आए हुए हैं तो तुरंत दौड़ती ही मेरे पास आएगी। वो समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि तुमसे ज्यादा बढ़ करके मैं अपनी बहू की सेवा करती हूँ। मैं जानता हूँ, नाश्ते में सुबह सुबह 5 लीटर दूध मंगाती हूँ। 5 लीटर दूध मेरी बेटी पी आती है? अरे हाँ, तो है, पी नहीं पाती है, है? उसे धीमी आंच में पकाती हूँ मैं, मतलब धीमी आंच में। जब धीमी आंच में पकते पकते दूध उबलते उबलते जब थोड़ा रह जाता है, मतलब 250 ग्राम तक, तब बहू को देती हूँ। और इतना ही नहीं, कम से कम 10 किलो सेब मंगाती हूँ। 10 किलो सेब मिश्रा मेरी बेटी खा जाती है? नहीं, खाती तो नहीं है, कुछ खाती है, कुछ इधर उधर फेंक देती है, बाकी जूस बना करके तब बहू को पिलाती हूँ। मिश्रा, हमारी बेटी सीता इस घर में बहुत खुश है, बहुत सुख है, इससे बड़ी मुझे खुशी और क्या हो सकती है। देखिए संदन जी, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, और मिलने के बाद आनकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। कह रहे तो एकदम बेशर्मा आज कह रहे हाँ, तो एकदम बेशर्मा आज कहा तो का लाख मना कर दी कि हमारा बहुत सोबत यहाँ है तो उसे ज्यादा सेवा कर दी, तो समझ नहीं आता। मैं अपनी बहुत से मिलने रह दूंगी, जैसे आओ वैसे वापस लौट जाओ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? मैं मना कर रही हूँ कि मेरी बहू सो रही है। ए हराम ज्यादा आ करके बार बार बहू की रट लगा रखा है। मुझे बेटी से मिलने दो, मुझे बेटी से मिलने दो, मुझे बेटी से। छोड़ो, मंत्री जी, मैं तो समझा कि मेरी संदन पढ़ी लिखी होगी, लेकिन ये कबाब जैसी भाषा बोल रही है। बहुत महान कलाकार हमारे बड़े भैया, हमारे गुरु जी अरविंद मास्टर साहब, जो कि आज यहाँ पर असाफी लाल के नौटंकी होगी। हमारे गुरु जी बैठे हैं, हमारे पिता टोल रहे, 10 रुपया का पुरस्कार कला संगीत के माध्यम से 10 रुपया प्रांत पिताजी का। मैं गुरु जी को सादर प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमान मानवल शिव कुमार पटेल बुग्गी वाले, ये भैया जी की तरफ से सिंह देखते हैं दयारी प्रणाम, भैया जी को नमस्कार, धन्यवाद। माशे साहब, संधि जी, हमारे पास भगवान ने बेटी नहीं दिया। देखिए, आपके पास बेटी दिया, लक्ष्मी दिया है, अगर आपसे अपनी बेटी से मिलना है आपको जी, हाँ। जाओ, मिल सकते हो, जाओ, ठीक है, जाओ। समझी यार कितनी समझदार है, लेकिन संधि जी तो ऐसी भाषा बोली जैसे अनपढ़ गंवार है एकदम। खैर कोई बात नहीं है, अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जाओ। करा लिए मेरी बेचती, मिल गई तसल्ली आपको, हाँ? आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है? मेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना, लेकिन अरे सोचो कि हम विधानसभा फूलपुर के मंत्री हैं।
कैसा? पहले सोचो इसको। मैंने इसलिए कहा कि ये जा रहा है, इसकी बेटी है, मैं देखना चाहता हूं कि सितुआ अपनी अपने घर की बात बताती है या छुपा लेती है। अगर छुपा लेगी तो सोच लो कि इस घर में रहने के काबिल है, और अगर बता देगी तो इस घर में रहने के काबिल नहीं है। ये तो मैं भूल ही गई थी, तो देरी किस बात की है। चलिए जितनी जल्दी हो सके चलिए छुप कर देखूंगी कि आखिर वो अपने बाप से क्या बताती क्या है। हेलो, हमारे दादा भाई जान, चाचा, ए चाचा हमका लगा, चाचा साले, अरे लकिया मन्नत सुन तो भाई कामल कर
घर चलूं बाबूजी। नहीं क्यों नहीं चल सकती बाबूजी, मैं अपनी सास और ससुर के इजाजत के बिना मैं नहीं जा सकती बाबूजी। हमारी बिटिया की इतनी बड़ी सोच कि बगल में ससुर और सास के इजाजत से इस घर से कदम नहीं हटाऊंगी। यह मेरे मालिक और मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, मैं तुझे कैसे समझाऊं? कोई छोटी बच्ची नहीं है कि मैं तुझे गोदी में उठा कर लेकर भाग जाऊं। फिलहाल मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना बिटिया।